कहाँ से हो आप लोग? बेसिकली हम हरियाणा से है, बट हम दिल्ली में रहते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हो? एक्चुअली पूरा इंडिया ही घूम चुके हैं। फैंटास्टिक। ये आपके पीछे मैंने देखा जब यहाँ बैठे थे, एक के पीछे साथी लिखा है, दोनों के पीछे लिखा दोनों के एक्चुअली। पीछे साथी है यस सर। दोनों। लवली, तो परफॉर्मेंस देखते हैं या फिर यस बात सर। करते हैं? आज क्या हुआ कि एक डो आया था योगी और हेमू करके, कमाल बैलेंसिंग एक्ट था यार। मतलब कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, 19-20 पे होता है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। एक्रो योगा में जो नीचे है उसको स्टिल रहना है पूरे टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये तो पहली बार हो रहा है आई थिंक डांस प्लस में, एक्रो योगा। इट वाज एक्चुअली स्कैरी। योगी हिमो, ऑल द बेस्ट। रोल 3-2-1 साउंड। योगी और हिमू, दिखता है कि यार एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। कुछ अलग था, कुछ इंटरेस्टिंग था। कैप्टन्स, जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो ऐसे आप लोगों ने मुझे ट्रैवल करा दिया थ्रू योर परफॉर्मेंस। एक मोमेंट था जहाँ पे आप बीच में यहाँ पे वो लाइन डाउन और आप शेक करके उधर जा रहे थे, वो मेरे लिए प्रो था योगी एंड हिमू। थैंक यू सो मच मैम। But there were some parts where it was like now we are doing choreography, 1, 2, 3, which was जो आप लोगों की जो एनर्जी और मैडनेस थी वो ब्रेक हो रही थी वहां। मुझे लग रहा था कि अभी हम लोग डांसिंग कर रहे हैं। एंड आई विश वो जो मैडनेस थी अगर वो कंटिन्यूड रहती, नॉट जस्ट इन मूवमेंट, इज जस्ट ओवरऑल एनर्जी। सो दिस इज अ फीडबैक दैट आई हैव फॉर बोथ ऑफ यू। आई थिंक कैप्टन शक्ति थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी योगी एंड हिमू के परफॉर्मेंस से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन छोड़ रहे। ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है,
बहुत कम लोग समझ भी पाते हैं और बहुत कम लोग करते भी हैं। सर मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ इनसे, मैं अपने आप को देख रहा हूँ वहां पे, मैं भी इस टाइप की चीजें करता हूँ। जो भी टिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर किसने डांस के बनाए हैं, हम वो है जो फॉलो नहीं करते। आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज। हम लोग जो डांसर्स हैं, जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें करते हैं, हमारा फाइट रहता है अंदर से और बाहर से। ये समझो, हम लोग इधर से डांस करते, बहुत बार ये करने में हम लोग इधर ही घुस जाते हैं, तो जब बाहर नाचना होता है तो हम लोग अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए शक्ति को ऐसा लगा है। समझ रहे हो? ये सब फाइट करने के बाद अब अगर आगे जाके और आप ऐसे ही करोगे तो ये डिस्कनेक्ट लगेगा। ये अगर ये मैंने यही किया फिर मैं ये करूंगा तो अपने आप अलग दिखेगा। स्टेप मैंने अभी भी किया है, वो कनेक्ट करना। कैप्टन पुनीत भी कहीं ना कहीं उसी जोन के है, तो वो शायद ज्यादा समझ पाए और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक मेक्स सेंस टू मी एंड टू हिमू एंड योगी। बहुत सारे डांसर्स के पास बॉडीज है और दिमाग है, पर सोल की खोज है। आपके पास वो है। कैप्टन पुनीत वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मुझे भी दिखाई कि सोल है आप लोगों के पास। मैं आगे देखना चाहूंगा क्या होगा। वो